हमारा एक संगठन एक पार्टी एक ही नेता, बीएसपी संगठन बीएसपी पार्टी और बहन जी नेता। आने वाले 2019 के इलेक्शन में बहन जी को भारी से भारी मत में वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो थे जिन्होंने हमारी माताएं बहनों को सम्मान दिलाया, अधिकार दिलाया पढ़ने का। आज हम उनको इसलिए मानते हैं, ना कि हमारे समाज में और भी बहुत लोग आए थे जो अपना नाम करके अपनी जय जयकार करके निकल गए, अपना नंबर बना के निकल गए। अब लोग कहते हैं कि हमारी बहन जी मायावती जी क्या करा उन्होंने, मैं बताऊं क्या करा है। अपनी बेटी को 22 साल की उम्र में घर से बाहर निकालो और बोल दो शादी ना करे, समाज में जा और समाज सेवा कर, घर मत वापस आई हो। वो हमारी बहन जी ने काम किया है, करके दिखाए। कोई नहीं कर सकता, कार जाली कर जाता है अपना बच्चा अगर बाहर जाए तो। समाज सेवा कर तो कहते रहे कहां जा रहा है, किस अंधविश्वास में जा रहा है। समाज को एकजुट करने के लिए ताकत मनोबल सब कुछ चाहिए जो हमारी बहन जी के पास है। अगर आज बहन जी हाथ हटा ले तो हमारा समाज 50 साल से भी पीछे चला जाएगा, फिर वही हांडी और वही झाड़ू आ जाएगी। इस मंच के माध्यम से एक बात और बताऊंगा, जो हमारे समाज के अन्य अन्य नाम से अन्य अन्य संगठन बन रहे हैं वो सिर्फ अपनी वाहवाही करवाते हैं, मंच पे आके माइक पकड़ते हैं, अपनी जय जयकार कराते हैं, आप लोगों से चंदा लेके जाते हैं और जब मदद की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है। इसका जीता जाता सबूत मैं अभी दूंगा, यही खड़े खड़े दूंगा। हमारे भाई नरेंद्र जाटव जी, एक बार खड़े हो जाओ भाई जी, ये हमारे भाई नरेंद्र जाटव जी फरीदाबाद से हैं। इनके भाई मोहित जाटव जी जिनको 4 साल पहले CIA वालों ने गोली मारी, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? ना वो आतंकवादी थे, ना वो टेररिस्ट थे, ना ही आतंकवादी और ना ही चोर थे, कुछ नहीं थे। पर लेकिन एक कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे नेक विचार के लड़के थे, वो अपनी कॉलेज जा रहे थे, जाते जाते गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के, 5 बंदे थे, 5 में हर कास्ट का बंदा था। पर लेकिन उसमें जब उनको रोका गया आगे सुमो गाड़ी लगा के, उसमें से 6 पुलिस वाले उतरे, उन 6 पुलिस वालों ने इनको चेकिंग किया, चेकिंग करके इनको ले जाने लगे तो इनके भाइयों ने बोला, जो इनके साथ में थे भाइयों के, उन्होंने बोला कि हम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम चोर हैं, डकैत हैं, क्या है। उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। और उन्होंने जब इनके भाइयों से नाम पूछा तो कोई अलग अलग अन्य अन्य नाम के अन्य अन्य कास्ट के लोग थे, पर लेकिन जब इनके भाई से नाम पूछा गया तो इनके भाइयों ने बताया कि मेरा नाम मोहित जाटव है। मोहित जाटव कहते हैं पता है क्या हुआ, मुंह से क्या निकला, जो ये शासन चल रहा है उनके पदाधिकारी उनके पुलिस वालों का क्या नाम निकला, अरे इधर चमार है, क्या करेगा ये, ऐसे चमार चूड़े बहुत होते हैं, मार साले को गोली, गोली मारी यहां गोली लगी, गोली यहां लगी, आज भी वो 4 साल हो गए खोपड़ी में है अंदर, यहां पे उनका आधा दिमाग निकाल दिया है क्योंकि वो डैमेज हो चुका था, और उनका जो बोन है यहां का वो निकाल कर उनके पेट में रख रखा है। इनके मां बाप ने अपना घर बार तक बेच दिया, कर्जा ले लिया, ये छोटे बहन भाई थे उस टाइम पे 4 साल पहले, ये ठीक से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, इनका पूरा परिवार तबाह हो गया। और जो पदाधिकारी थे जो इस मनुवादी सरकार में अपना राज चला रहे हैं, उनके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, ये हमसे गलती से हो गया। ऐसा कैसे गलती से हो गया, ये गलती से नहीं हुआ, ये जाटव समाज का नाम लेते ही, बहुजन समाज का नाम लेने से हुआ है। अगर काश वो नाम ना लेता तो उसको गोली ना मारी जाती, और 4-5 क्यों बच गए, इसी को क्यों गोली मारी गई, क्योंकि ये उस समाज से है जिस समाज को ऊपर उठते हुए कोई नहीं देख सकता, मनुवादी सरकार कभी नहीं देख सकती। आज भी इनका भाई अपनी जिंदगी के मौत से लड़ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर कोमा में है 4 साल से, न खाने का पता, न बाथरूम का पता, ना किसी चीज का पता, मैं कौन हूं। इनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, ये भाई मुझे जानते थे, मैंने बोला हमारे समाज के संगठन अन्य चल रहे हैं, 11 लाख संगठन है, 11 लाख कहने के लिए 11 लाख है, मैं तो यहीं बुराई करूंगा और यहीं अच्छाई करूंगा, जो भी होगी समाज में ही होती है, समाज की बातें 4 दीवारों में नहीं करता मैं। 11 लाख संगठन है, भाई से फोन कराए जो सबसे बड़ी संगठन कहते हैं कि मैं भीम आर्मी, सीना मेरा होगा, गोली मनुवादी की होगी,
छाती मेरी होगी, सबसे आगे मैं जाऊंगा। फोन कराया 15 दिन पहले, आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। भाई खड़ा है बता देगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और भी संगठन है, सबको फोन कराए, कोई नहीं आया। आखिरकार खुद ही लड़ रहे हैं। और हमारे कुछ भाई अब साथ आने लगे हैं, क्योंकि नहीं लगे इसलिए क्योंकि यहां पर राजनीति नहीं चमक रही, यहां पे अपने चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा, अपना नाम नहीं बन रहा, अपना नंबर नहीं बन रहे। यहां पे मदद करने की बात है, क्योंकि यहां पे मदद तन मन धन हर चीज से हो सकती है। कहने के लिए तो लोग कह देते हैं। तो इसी बात के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, अन्य अन्य नाम के संगठनों में बंटना छोड़ दो, हमारा एक संगठन, एक पार्टी, एक ही नेता, बीएसपी संगठन, बीएसपी पार्टी और बहन जी नेता। आने वाले 2019 के इलेक्शन में बहन जी को भारी से भारी मत में वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपने देश को, अपने आप को राजा कहलाएंगे। अपने घर का राजा तो हम अपने आप को कहते हैं, पर लेकिन जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, उस दिन मैं अपने आप को अपने देश का राजा कहूंगा। बहुजन समाज राजा बनेगा, बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। आज तक कभी सपना पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे लोग बिखरे पड़े हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। अन्य अन्य नाम के संगठन से हटके एक संगठन जो बना हुआ है बीएसपी, इससे जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब ये आप लोग इससे जुड़ेंगे, ये बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ये देश का सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी नंबर वन पे आएगी, जो अभी दूसरे नंबर पे है। और भारी मत में जब वोट दी जाएगी तो बहन जी पीएम अपने आप बन जाएंगी, अपने क्षेत्र से, अपने वार्ड में, अपने जिले में जाके अपने अपने पद लो, अपने अपना कार्यभार संभालो, ताकि अपने जिले से आप निगम पार्षद, एमएलए और अपने सांसद निकाल सको, और फिर मुख्यमंत्री निकले, मुख्यमंत्री निकलेगा तो बहन जी पीएम अपने आप बन जाएंगी और हम कहेंगे हम देश के राजा हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। इसी बात के साथ मेरे सभी भाइयों को, सम्मानित साथियों को धन्यवाद। जय भीम।